Hello students, welcome to the overview session of reading session number 14. हमने अभी तक दो reading sessions complete किए थे 12 and 13, जिसके अंदर सारी बातें जो हमने cover की, that was all about microeconomics. इस reading session में जो हम शुरुआत करने वाले हैं reading session 14 से, हमारा पूरा का पूरा agenda macroeconomics की तरफ अब shift हो जाएगा. इसीलिए आपको ये title दिखाई दे रहा होगा एग्रीगेट आउटपुट. अभी तक हम एक फर्म के आउटपुट की बात कर रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, चाहे वो किसी भी मार्केट स्ट्रक्चर को बिलोंग करता हो, कि कितना आउटपुट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट होगा. अब हम पूरे इकोनॉमी के आउटपुट की बात करेंगे, एग्रीगेट आउटपुट की बात करेंगे. वी विल टॉक अबाउट प्राइसेस. दिस इज द जनरल प्राइस लेवल, किसी एक पर्टिकुलर फर्म की प्राइस लेवल नहीं, पूरी इकोनॉमी में जिससे इन्फ्लेशन मेजर होता है वो जनरल प्राइस लेवल यानी मैक्रो लेवल पे. एंड जीडीपी बढ़ती और गिरती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो पॉजिटिव या नेगेटिव होती है डिपेंडिंग अपॉन कि एग्रीगेट आउटपुट बढ़ रहा है या फिर गिर रहा है. सो एवरीथिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक फ्रॉम हियर विल बी मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें रीडिंग सेशन नंबर 14 बेस है. बेस इसलिए है क्योंकि इसी रीडिंग सेशन पे बाकी रीडिंग सेशंस डिपेंड करते हैं, क्योंकि जब हम इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे तो हम नेक्स्ट चैप्टर में बिजनेस साइकल्स के बारे में समझ पाएंगे, उसके नेक्स्ट चैप्टर में हम ये समझ पाएंगे फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी कैसे बनाई जाती है, उसके नेक्स्ट चैप्टर में इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल फ्लोस के बारे में देख पाएंगे जो करेंसी एक्सचेंज रेट्स के चार्ट से एग्जीक्यूट किया जाएगा. तो दैट इज व्हाई ये हमारे मैक्रो का पूरा बेस बन जाता है, जिस पूरे के पूरे चैप्टर को आपके करिकुलम में तीन पार्ट्स में हमने तोड़ दिया है क्लियरली. So this is basically to get an overview, जैसा हम किसी भी चैप्टर में करते हैं, किसी भी रीडिंग सेशन में करते हैं, कि पहले एक बर्ड्स आई व्यू मिल जाए कि पूरे चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, फिर एक-एक एरिया को हम स्लोली स्लोली जैसे टॉपिक वाइज डिस्कस करते हैं वैसे वैसे डिस्कस करते जाएंगे. तो पहला एरिया हम जो डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, दैट विल बी एग्रीगेट आउटपुट. सिंपल भाषा में बोले जीडीपी, दैट इज द टोटल प्रोडक्शन इन द कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर. पूरे एक साल में जो टोटल प्रोडक्शन होता है उसे जब हम जोड़ते हैं पूरी इकोनॉमी में तो जो हमें मिलता है दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम कंट्री का निकालते हैं और फिर देखते हैं बाकी कंट्री से कंपैरिजन में हम कहां स्टैंड करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की जीडीपी अप्रोक्सीमेटली 2.7 टू 2.8 ट्रिलियन डॉलर्स निकल के आती है, जो आइडियली देखने जाए हम तो एज पर मेजर्स दुनिया में पांचवी सबसे लार्जेस्ट जीडीपी है. दुनिया में एक नंबर पे यूएस आता है 21 ट्रिलियन डॉलर्स के साथ, दो नंबर पे चाइना आता है 14 ट्रिलियन डॉलर्स के साथ. तो ये जीडीपी होती क्या है, निकाली कैसे जाती है? आइडियली हम यहां तीन मेथड्स पढ़ते हैं. देयर आर थ्री मेथड्स, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड. ये सारे मेथड से कैलकुलेशन अल्टीमेटली उसी नंबर का होता है, लेकिन कैसे किया जाता है, किन बातों का ध्यान रखा जाए इन मेथड्स को यूज करते वक्त, जीडीपी किन कंपोनेंट से बना है, फिर हमारा वो डिस्कशन जाएगा. जैसे कि कंपोनेंट्स के अंदर आता है कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स. कंपोनेंट वाइज डिस्कशन हम करेंगे कि जीडीपी जिन भी चीजों से बना है हर कंपोनेंट के बारे में एक आइडिया ऑब्टेन करेंगे. एंड जब हमें जीडीपी निकालना आ जाएगा तो हम नेशनल इनकम निकालना सीखेंगे, और नेशनल इनकम निकालने के बाद दो टर्म्स और सीखेंगे, पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. बेसिकली जो नेशनल इनकम होता है वो पूरी फैक्टर इनकम होती है, यानी जितना प्रोडक्शन होने से इनकम जनरेट हुई वो होती है. उसमें से जब आप सिर्फ हाउसहोल्ड्स की इनकम निकाल लेते हो, चाहे वो फैक्टर हो या फिर ट्रांसफर, प्री टैक्स, टैक्स देने से पहले, सरकार को टैक्स देने से पहले, दैट इज पर्सनल इनकम. और फिर उस इनकम में से जब आप टैक्सेस हटा देते हो, कितना तो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, अब जो बच के आया वो हम अपनी मर्जी से खर्च करेंगे या फिर बचाएंगे, इधर वी विल कंज्यूम और इधर वी विल सेव, तो वो जो अमाउंट होती है दैट इज डिस्पोजेबल इनकम. जैसे मैं डिस्पोज करना चाहूं वैसे कर सकता हूं. तो बेसिकली नेशनल इनकम क्या हो जाता है, फैक्टर इनकम का सम टोटल होता है. उसमें से सिर्फ हाउसहोल्ड की इनकम लेना, फैक्टर प्लस ट्रांसफर, इस पर्सनल इनकम. एंड इस पर्सनल इनकम में से पर्सनल इनकम टैक्सेस माइनस कर देना, ताकि मैं जितना भी खर्चा करना चाहूं उस इनकम में से अपनी मर्जी से कर सकता हूं, दैट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. इन टॉपिक्स को पढ़ते वक्त हम कुछ साइडर्स भी साथ साथ में डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल जब भी जीडीपी की बात होती है तो रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी,
इन दोनों का कवरेज किया जाता है। बेसिकली एक जीडीपी होती है जिसके अंदर हम इन्फ्लेशन से जो इम्पैक्ट आता है वो आने देते हैं, उसे हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। एक जीडीपी होती है जिसमें से हम इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हटा देते हैं, तो जो आता है उसे हम रियल जीडीपी कहते हैं, यानी बिना प्राइस के इम्पैक्ट के असली आउटपुट का इम्पैक्ट। ऐसा कहा ही जाता है और ऐसा देखा जाता है कि रियल जीडीपी इज अ ट्रू रिफ्लेक्ट ट्रू पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जबकि नॉमिनल जीडीपी में कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का भी इम्पैक्ट आ ही जाता है। सिमिलरली जब हम कॉम्पोनेंट्स पढ़ेंगे तो कॉम्पोनेंट्स पढ़ते वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल रिलेशन पढ़ेंगे हम, जैसे कि हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस टैक्सेस इज इक्वल टू सेविंग्स माइनस इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड फंक्शन हम डिराइव करेंगे और समझेंगे इसका मतलब क्या होता है। बेसिकली सेविंग्स इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टैक्सेस एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स, इन चारों चीजों को हम इन छह की छह चीजों को हम कवर करते हैं और उससे एक फंक्शन डिराइव करते हैं और रिलेशन समझते हैं ये किस तरीके से वर्क करता है। तो हमारे इस चैप्टर में जो हमने तीन टॉपिक्स बनाए हैं, पहला टॉपिक एग्रीगेट आउटपुट का होगा जिसमें हम जीडीपी क्या है इसका मतलब क्या है, मेथड्स कैसे वर्क करते हैं तीनों मेथड्स, क्या कंपोनेंट्स निकल के आते हैं, पर्सनल इनकम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है कैसे निकाली जाती है, जीडीपी में रियल एंड नॉमिनल क्या होता है, एंड कंपोनेंट से ये रिलेशनशिप कैसे डिराइव होती है और इसका मतलब क्या होता है। फिर इसे कंप्लीट करने के बाद हम सेकेंड पोर्शन पे चलेंगे प्राइसेस को समझने के लिए। प्राइसेस को समझने के लिए हमें अब चाहिए होगा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। आप लैंग्वेज देखो वर्ड्स देखो, पहले जब हम माइक्रो पढ़ते थे तो हम कहते थे मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई और उसके इंटरसेक्शन से किसी प्रोडक्ट की प्राइस निकलती थी। अब हम कहेंगे एग्रीगेट डिमांड सारे प्रोडक्ट्स, एग्रीगेट सप्लाई सारे प्रोडक्ट्स जो खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं उसके इंटरसेक्शन से जो जनरल प्राइस लेवल है वो डिटरमाइन होगी एक इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगा या डिफ्लेशन। तो पहले हम एग्रीगेट डिमांड डिराइव करना सीखेंगे। एग्रीगेट डिमांड को डिराइव करने के लिए दो कर्व्स पढ़ाए जाएंगे आपको, एक इनकम सेविंग्स कर्व एंड दूसरा लिक्विडिटी मनी, इनकम सेविंग एंड लिक्विडिटी मनी, जिसमें रियल इंटरेस्ट रेट्स के साथ एक रिलेशनशिप डिफाइन किया जाएगा जो हम बड़ा डिटेल में देखेंगे IS एंड LM, और इन दोनों को पढ़ने के बाद जब इनको कंबाइन करेंगे तब जाके एग्रीगेट डिमांड कर्व डिराइव होगा, दैट इज प्राइस अगेंस्ट रियल जीडीपी ऑफ द कंट्री। एग्रीगेट डिमांड के बाद एग्रीगेट सप्लाई देखेंगे, एग्रीगेट सप्लाई कर्व इन शॉर्ट रन एज वेल एज लॉन्ग रन SRAS LRAS। तो एग्रीगेट डिमांड पहले डिराइव किया, फिर एग्रीगेट सप्लाई समझा इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, और फिर दोनों को कंबाइन किया साथ में लेके आए, कंबाइंड इफेक्ट देखा कि अगर AS या AD शिफ्ट होता है या AD या AS मूव होता है तो क्यों होता है और उसके मूवमेंट से क्या इंपैक्ट होगा और कैसे AD और AS के इंटरसेक्शन से इक्विलिब्रियम स्टेट डिटरमाइन किया जाएगा इकोनॉमी में, जिसमें कभी भी अगर इक्विलिब्रियम स्टेट से डिविएशन हुआ तो हमें जो सिचुएशंस दिखाई दे सकती है दैट इज इन्फ्लेशन हो रहा है, डिफ्लेशनरी सिचुएशन है, रिसेशन क्रिएट हो रहा है, या फिर एक अजीब सी सिचुएशन जहां रिसेशन भी हो रहा है और इन्फ्लेशन भी हो रहा है, यानी ग्रोथ भी नहीं हो रही और चीजों के दाम भी बढ़ रहे हैं, स्टैगफ्लेशन कब क्रिएट होता है। तो हमारा जो सेकंड पूरा का पूरा बिट है दैट इज वेरी कॉन्सेप्चुअल कि एग्रीगेट डिमांड ड्राइव करने के लिए इन कर्व्स को पढ़ो इंडिपेंडेंटली, फिर उससे एग्रीगेट डिमांड निकालो, फिर एग्रीगेट सप्लाई ड्राइव करो जो शॉर्ट रन में भी करेंगे लॉन्ग रन में भी करेंगे, फिर दोनों को मर्ज कर देंगे, मर्ज करेंगे तो इक्विलिब्रियम जीडीपी आएगा। ये जो AD और AS है ये कोई कांस्टेंट तो रहते नहीं है, फैक्टर्स बदलते हैं जिसकी वजह से इनमें बदलाव आते हैं, इनमें बदलाव आएगा तो शिफ्ट और मूवमेंट से क्या इंपैक्ट होगा वो जानना होगा, तो उसके लिए हम इन्फ्लेशनरी गैप रिसेशनरी गैप स्टैगफ्लेशनरी गैप ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। ये हमारा दूसरा पोर्शन हो जाएगा। फिर हम तीसरे पोर्शन पे जाएंगे कि जीडीपी में जो बढ़त होती है उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर जीडीपी गिरती है तो दैट इज नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के सोर्सेस क्या होते हैं, तो मेजरली देखा जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड्स अपॉन लेबर कैपिटल टेक्नोलॉजी नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारे इसके सोर्सेज होते हैं। अगर नेचुरल रिसोर्सेज बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव इंपैक्ट दिखाई देगा, अगर लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो एक पॉजिटिव इंपैक्ट दिखाई देगा। तो इसके सोर्सेज सारे हम डिस्कस करेंगे विच विल बी अ सिंपल थियरी आंसर एंड देन इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर कैसे किया जाता है। तो यहां हमारे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आएंगे,
छोटे छोटे बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आएंगे कि हाउ टू कैलकुलेट, जिसके लिए एक फॉर्मूला हम देखेंगे, और कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेनेबल रखा जाए, कैसे मेंटेन किया जाए, उसके लिए हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन एंड पोटेंशियल जीडीपी। प्रोडक्शन फंक्शन हमने पढ़ा है, थोड़ा सा डिस्कस किया था हमने माइक्रो में, अब हम मैक्रो लेवल पे प्रोडक्शन फंक्शन देखेंगे और उसी से डिराइव करेंगे कि कैसे लेबर प्रोडक्टिविटी, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, दैट इज टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन से हमें हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट दिखाई देता है, कैसे हम हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को पुश कर सकते हैं। तो उसके लिए हम टॉपिक्स पढ़ेंगे पोटेंशियल जीडीपी, यानी हमारा बेंचमार्क क्या होना चाहिए, जहां हम पहुंचना चाहते हैं, जिसके लिए प्रोडक्शन फंक्शन को यूज करके हम सोर्सेस अप्लाई करके अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दे सकते हैं। तो इस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ पे बहुत छोटा सा कंटेंट है यहाँ, व्हाट आर द सोर्सेस, हाउ टू मेजर, व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड प्रोडक्शन फंक्शन एंड पोटेंशियल जीडीपी। तो ये हमारा पूरा रीडिंग सेशन नंबर 14 होगा। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट लेंथीएस्ट चैप्टर, आपके सारे रीडिंग सेशन में सबसे लंबा रीडिंग सेशन होगा ये, पर अच्छा खासा वेटेज भी एग्जाम में होल्ड करता है, इसमें से हमें सवाल भी मिलते हैं, और उसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि ये बेस है। आगे के रीडिंग सेशन तभी समझ में आएंगे जब ये समझ आया होगा, क्योंकि पूरी एनालिसिस इसी पे चलने वाली है। तो हमारा पूरा चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, टू समराइज आप इसे साथ साथ में ड्रॉ भी कर लेंगे। एग्रीगेट आउटपुट में जीडीपी, मेथड्स, कॉम्पोनेंट्स, काइंड ऑफ इनकम, फ्यू रिलेशनशिप, व्हाट इज रियल एंड नॉमिनल, प्राइसेस के लिए व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, हाउ टू डिराइव आईएस और एलएम क्या होता है, जिससे वो डिराइव होता है, एग्रीगेट सप्लाई में लॉन्ग रन शॉर्ट रन कैसे बनता है, शिफ्ट्स एंड मूवमेंट कैसे होते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप, रिसेशनरी गैप एंड स्टैगफ्लेशनरी गैप कैसे डिटरमाइन करते हैं और उसे कैसे ओवरकम किया जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ की सोर्सेस क्या है, मेजर्स क्या है, सस्टेनेबिलिटी क्या है, पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है एंड प्रोडक्शन फंक्शन से उसे कैसे रिलेट किया जाता है। सो दिस इज what we will go, we are going to cover in reading session number 14. ये सिर्फ एक overview session था आपको idea provide करने के लिए कि पूरा क्या coverage होगा हमारा। Next session में जब हम मिलेंगे तो हम शुरुआत करेंगे GDP से। GDP होती क्या है, निकालते कैसे हैं, उसके components एकदम basic से हम शुरू करेंगे। So that's it in this session. We are going to meet in the next session. Copy this everything in your notes, ताकि थोड़े handwritten notes होंगे तो भी आपके लिए थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। That's it. Thank you. Have a nice day.